वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए कैसी लग रही है मेरी हेयर स्टाइल। न्यू हेयर स्टाइल बनाई है मैंने आज आप लोगों के लिए, क्योंकि फेस्टिवल पे मैंने आपको बता दिया कि आपको हेयर को स्ट्रेट कैसे करना है, हेयर में आपको कैसे आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं स्ट्रेट हेयर में। लेकिन अगर आपके स्ट्रेट हेयर है एंड आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा फ्लफी लुक मिले एंड थोड़ा सा कर्ल मिले, थोड़ा बाउंस मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसी के लिए मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी सी एक हेयर स्टाइल बनाई है, जिसमें कि बालों को मैंने कर्ल किए हैं। ज्यादा मैंने कर्ल नहीं किए हैं, बट वो आपको बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंड सुंदर सा लग रहा होगा एकदम सेलिब्रिटी स्टाइल में। सो यही हम लोग देखने वाले हैं कि इस वीडियो में मैंने कैसे इसको, ये जो हेयर लुक है ये मैंने कैसे अचीव किया है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है अगारो का इंस्टा हेयर कर्लर, जिसकी हेल्प से मैंने ये हेयर लुक जो है वो अचीव किया है। सो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। जो मेरा मॉडल नंबर वो है HC8001 एंड इसमें आपको हाई टेम्परेचर मिल जाता है अप टू 180 डिग्री सेल्सियस एंड पावर LED इसमें दी हुई है। 360 जो इसका कॉर्ड है वो रोटेट हो जाता है एंड यहाँ पे कूल टच टिप भी दी हुई है। ये देखिए, ये आपको कूल टच टिप दी हुई है, तो अगर आपका ये पूरा रॉड जो गर्म हो जाता है तो आपको हाथ जलने का बिल्कुल भी डर नहीं है। इस टिप पे आप आराम से फिंगर रख करके उसके बाद अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं। तो लुक वाइज ये बहुत ज्यादा स्लीक सी है, एकदम लाइट वेट है, पतला सा है और जो ये आप देख रहे हैं ये कॉर्ड जो है वो 360 डिग्री रोटेट हो रहा है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि मैंने ये हेयर स्टाइल कैसे अचीव की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो गाइस, बहुत ही सिंपल आपको इजी तरीके से मैं हेयर कर्ल करना बता रही हूँ। सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से डिटैंगल कर लीजिए एंड ये याद रखिएगा कि आपके बाल जो हैं वो ड्राई होने चाहिए, यानी कि सूखे होने चाहिए। अब हम अपने बालों को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहें तो आप बस डिवाइड करने के बाद यहाँ पर अपना बालों को कर्ल कर सकती हैं, बट मैं यहाँ पर क्या करूँगी, दो पोनी टेल बांध लूँगी, जिससे कि वो बहुत ईजी हो जाएगा कि हमें कितने बालों में कर्ल करना है एंड जो पार्ट रहेगा वो भी छोटे छोटे सेक्शन हम लेकर के उसके बाद कर्ल कर सकते हैं। ओके, तो जब तक मैं यहाँ पे पोनीटेल बांध रही हूँ तब तक मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको 10 mm बैरल डायमीटर फॉर परफेक्ट टाइट कर्ल्स मिलते हैं। सिरेमिक कोटिंग इंश्योर इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बैरल एंड साथ ही साथ इसमें आपको LED इंडिकेटर लाइट भी मिलती है। 2 ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है। सो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसके। तो लीजिए गाइज, मैंने यहाँ पर दोनों पोनीटेल बांध ली है। अब हम अपना यहाँ पर कर्लिंग जो रॉड है उसको स्टार्ट करते हैं बालों को कर्ल करना। तो जब हम अपने बटन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे LED जो रेड लाइट है वो ऑन हो जाती है, यानी कि हीट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा जो पतला सा अपना बालों का स्ट्रेन है वो लेकर के हम इसको ऐसे ऐसे रोल करेंगे। ये देखिए, इस तरह से रोल करते हुए ऊपर से नीचे की ओर हमें बालों को इसमें रोल करना है एंड जब पूरे में बाल लपेट जाएंगे तो वहाँ पर आप अपनी फिंगर ऊपर टिप पर रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपकी फिंगर जो है बिल्कुल भी जलेगी नहीं। फिर भी आपको ये केयरफुली करना है एंड केवल 10 सेकेंड के लिए आपको अपने बालों को इसमें रखना है, फिर छोड़ देना है। ये देखिए कितना सुंदर पहला ही कर्ल आ गया है। मैंने बिल्कुल भी इसमें कट नहीं लगाया है इस क्लिप में। आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल सामने से आप देख रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से लपेटा अपने बालों को। लंबे बाल भी होंगे तो भी ये इतनी अच्छी रॉड है कि इसमें आराम से आपके बाल जो हैं वो पूरे रोल हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा 10 सेकेंड में आपका कर्ल बन जाएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ फास्ट फॉरवर्ड मोड में। चलिए पूरे बालों को कर्ल कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो देखिए, मैंने जल्दी से अपने पूरे बालों में कर्ल कर लिया है। मुश्किल से मुझे 8-9 मिनट लगे होंगे पूरे बालों को अच्छे से कर्ल करने में एंड अब ये जो रबर बैंड है इसको मैं हटा दूंगी आपको फाइनल लुक दिखाने के लिए। तो तैयार हैं आप फाइनल लुक देखने के लिए? तो देखिए गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक।
कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई नो आप लोगों को ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लग रही है। इंस्टा पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप स्ट्रेट हेयर से अच्छे कर्ली हेयर में लगते हो, तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हो एंड आपको मेरी हर चीज़ अच्छी लगती है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड मेरी न्यू हेयर स्टाइल कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। इन केस आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है और आप भी इस तरह की हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं एंड न्यू अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल बना सकते हैं अपने सारे फेस्टिवल में। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।